कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे गए तो आपको और भी अच्छा करने लेके ये आपकी रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में क्या होने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आज हम फेक मैरिज प्रैंक करने वाले हैं इनकी मम्मी के ऊपर। तो अब एक काम करते हैं, अब मम्मी को फोन करते हैं, मैं करूंगा मम्मी को फोन, तुम एक काम करो, तुम ना उधर पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, जब मैं कहूँ ना, समझ लो जब मैं मम्मी को सुन तो लो, सुनो, अरे कोई नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा, मेरे को पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जब मैं बात क्या करूंगा, जब मैं मम्मी को मिलने लगूंगा ना कि सरप्राइज है, तो समझ लो तुम अपने आप आके ना पांव छूने लगना। ठीक है चलो मैं फोन करता हूँ, दूर हो जाओ अभी आप। तो मैं अपनी मम्मी को फोन करता हूँ, बहुत मजा आएगा यार। यार रेट्स को ना सपोर्ट करते रहा करो, बहुत अच्छी लड़की है। मम्मी भी फोन नहीं उठाती यार, जब भी मुझे कोई काम होता है ना मम्मी फोन ही नहीं उठाती है। उठा लो ना मम्मी। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ बेटा बोलो। अरे मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे पार्क में आ गया हूँ, ठीक है, घर के नीचे वाला पार्क है ना। हाँ, तो मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया था, तो आप नीचे आ जाओगे मम्मी? मेरे लिए सरप्राइज? हाँ आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसे मेरा मूड कर रहा था, सोचा सरप्राइज दे दूँ मम्मी को, एक अच्छी सी चीज है। बिरयानी मछली भी नहीं है तो फिर? वो मतलब ऐसे ही ले आया हूँ मैं, अब एक मन कर रहा था मेरा सरप्राइज देने का। वो मम्मी वो तो मुझे पता है, बट 5 मिनट के लिए आ जाओ, फिर आप चले जाना, मैं लेके चलूंगा साथ में ऊपर ही आपको पकड़ के। मम्मी को फोन कर दिया है, पापा को चाय बना के देंगी, उसके बाद में वो आ जाएंगी, तब तक के लिए वेट करते हैं यार। इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम है OneXBet। ये वेबसाइट बैरिकलोना, चेलिसा, लिवरपूल और बहुत बहुत सारी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम के साथ पार्टनरशिप में है। तो इसमें आपको साइन अप करके सिंपली कंट्री, करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना होगा जो कि है धवन। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे ना तो आपको 100% बोनस मिलेगा। तो सिंपल इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें मेन्यू बार पर यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का सिलेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपको, जिस गेम में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिस गेम की आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उस गेम को सिलेक्ट करके उसमें प्रिडिक्शन लगाकर अच्छा खासा पैसा जीत सकते हो। और गाइस इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी है, तो गेम खेलो, पैसा कमाओ, खूब सारा बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। तो यार मम्मी का मैं वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी कितनी देर और करना पड़ेगा। ओ फोन आ रहा है। हेलो, कहाँ है बच्चे, तू मुझे दिख नहीं रहा। मम्मी मैं इधर हूँ, लेफ्ट साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ, लेफ्ट पे देखो अपने। अच्छा आती, आ जाओ। क्यों डाल रखी है तूने ये, ऐसी मन कर रहा था डालने का, ऐसी ऐसे माला तो आज मैं बाबा बन, आज मैं बाबा बनाऊ ना। अच्छा, आज वीडियो, इसलिए हाँ शूटिंग कर रहा हूँ ना, तो बाबा बनूंगा उसमें। अच्छा, अच्छा, इसीलिए डर। ठीक है, क्यों नहीं आया वो, सरप्राइज लेके आया ना मैं आपके लिए। अच्छा चाय दे दी आपने बना के? हाँ चाय पापा को दी मैं। सही है, मैं ये देख रहा था मेरा लुक ठीक लग रहा है आपको? हाँ, बाबा बनने तो स्मार्ट है। और क्या? नहीं मुझे लगा कि कोई कमी हो, कोई लुंगी वुंगी डालनी हो बाबा के गेटअप के लिए। माला से भी लुक आ रहा है। हाँ, और कोई तिलक वगैरह लगाना हो? नहीं, क्या करना है तूने तिलक लगा के, ऐसे ठीक है तू? नहीं। अच्छा और वो जो रिश्ते वाले आए थे वो भगा दिया आपने? नहीं नहीं, मतलब मैंने मना करा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो मैं तो बात चला रही थी वहाँ पे तेरी। नहीं वो लड़की ना थोड़ी छोटी हाइट की है, इसलिए मन नहीं था मेरा, आपको तो पता है। एटलीस्ट सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, देखो ऐसी तो होनी चाहिए ना जितनी हाइट मेरी, आपको तो पता है। तो बेटा हाइट से क्या फर्क पड़ता है, कहीं कहीं इतने लंबे लंबे हैं, छोटी छोटी हैं लड़कियां। अब एक ही तो विषय मेरी, जैसा मैं हूं बस ऐसी तो ला दो। और पापा को भी इतनी पसंद है, और उसके मम्मी पापा भी इतने अच्छे हैं। मम्मी अभी तो मेरा करियर भी है, बहुत सारी चीजें है ना, इसीलिए मैं समझ रहे हो ना, अपने पापा से बात कर लेना, मैंने तो वहाँ फाइनल कर लिया है। अरे नहीं मम्मी ऐसे नहीं होता ना, आपको भी पता है अभी बहन भी ऑस्ट्रेलिया गई थी, मैंने उससे बोला था कि जब तू वापसी आएगी फिर करेंगे, वो मिलके भी चली गई थी। बहन से मैंने बात की थी फोन पे, तो हमारी हाइट में तो मिलनी चाहिए, वो भी बहन भी बराबर है, उसको भी लगना चाहिए ना उसकी भाभी उसी की बराबर है। पापा से पूछ लेना, मैंने तो पक्का कर दिया वहाँ तेरा। मैं घर में ना इसीलिए बात नहीं कर सकता, तो मुझे पता पापा गुस्सा करेंगे, मैंने सोचा पार्क में बुला लो। अब देखो मुझे ना उनसे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं?
क्योंकि मैं बता देता हूँ ये ना मैं कोई शूटिंग अच्छा, फिर वो दूसरे वाली जो कह रही मुझे वहाँ से करनी नहीं है, एक मैं आपको ना एक सरप्राइज बता देता हूँ। अच्छा आपको पता है ना जिसके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ रिट्स धवन। हाँ हाँ। तो मैं एक बार बुला देता हूँ, हम दोनों ने ना शादी कर ली है, कल ही कर ली शादी। शादी कर ली तुम दोनों ने? ये उसी का वो है, मैं सोचा था बताया भी नहीं, ना पापा को बताया ना बुलाया किसी को, फिर करने नहीं देते ना। मैं एक बार मिलवा देता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, तू एक एक मुझे नहीं पता, बस आप माननी है, आप मुझे नहीं पता, आप उससे बात कर लेना। एक मिनट आना जरा, आप देखो वो खड़ी हुई आपकी बहू। अब आप वीडियो में हम साथ में रहते थे तो ऐसे थोड़ी होता है बेटा, देखियो ठीक है, माना सुंदर तो है पर तुमने शादी कर ली, हमें बुलाया तक भी नहीं, ना पापा को बताया ना किसी रिश्तेदारों को बुलाया। देखो सारे पड़ोसी भी देख रहे हैं, देखियो जरा। तो क्या हो गया मम्मी, ये लोग थोड़ी ना आएंगे मेरी खुशियों में शामिल होने, आपके पाँव मैं ही तो दबाता हूँ, कल को ये दबाएगी। नहीं ठीक है, ये पड़ोस वाले वो तो मैं मानती हूँ ठीक है, लेकिन सारे पड़ोसी एतराज करेंगे, और जो रिश्तेदार हैं जिनको हमने बुलाया नहीं, जिनके यहाँ सब हम शादी पे गए हैं। देखो मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैं पापा से इतनी बात कर नहीं पाता, बस मैं चाहता हूँ आप घर पे बात संभाल लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं तो मैं अपना सामान पैक करके अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं ये बात तो तूने बहुत गलत किया, पापा भी इतने नाराज होंगे पता है तुझे, नहीं वो तो भी इतने नाराज होंगे, वो भी बोलेंगे उनकी सबकी शादी। तभी तो मैंने आपको नीचे बुलाया कि मैंने कहा ये सरप्राइज है, अब देख लो जैसा भी सरप्राइज है, मैं इसीलिए लाया हूं। मुझे नहीं पता आप घर में रखवाओगे कहाँ करवाओगे कैसे, आप सपोर्ट कर। ये तूने बहुत गलत किया, अच्छा नहीं किया ये तूने ना, समझ आई ना, ये तूने अच्छा नहीं किया तूने, ये बिल्कुल भी ना, बहुत गलत किया ये तूने। पापा ही इतने नाराज होंगे पता, मेरे को बोलेंगे, वो मेरे से लड़ते रहेंगे हर वक्त कि ये क्या कर रहे हो। यार आप ही बताओ, देख ना मम्मी, हम पापा को मना लेंगे ना, हम दोनों मिलके पापा को नहीं मानेंगे बेटा, वो मेरे को पता है उन्होंने पसंद कर रखी थी दूसरी लड़की, उनको अच्छी लगी थी। लेकिन मम्मी मैं तो इससे प्यार करता हूँ ना, मैं तो कहीं और शादी भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अब तो हमने प्यार देखा ना, लेकिन हमने तो सब कुछ देखना है ना, रिश्तेदारी भी देखनी है, पड़ोसी भी देखने है, सबको देखना है हमने तो। मम्मी लेकिन मेरे प्यार में तो और मेरे दुख दर्द में तो यही काम आएगी ना, और आपके में भी यही काम आएगी, पड़ोसी थोड़ी ना आएगा रोटी ये खिलाएगी ना आपको बना के, पड़ोसी कौन सा रोटी बना के खिला देगा, प्यार भी तो देखना पड़ेगा ना, करियर भी इसी के साथ है, काम भी साथ करते हैं। वो तो ठीक है तूने तो अपना देखा है ना, लेकिन हमने तो सब कुछ देखना है ना, अच्छा नहीं किया ना ये तूने। अब पापा से हमारी बात करा दो, हम पापा को मना लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करेंगे पापा। मैं उनके सामने जाऊंगा मुझे मारेंगे पीटेंगे, मुझे पता है मैं नहीं करूंगा ये सब, ऐसे थोड़ी होता है कोई, ये तुमने सही नहीं किया बेटा। तो एक बात बताओ हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही, एक बात बताओ जोड़ी तो अच्छी है सुंदर है लड़की, अब मैं इसे कहाँ लेके जाऊंगा, अब तो तुमने शादी कर ली, अब क्या करें बता। तो फिर मेरे को सामान पैक करना पड़ेगा फिर घर से, अब देखो अब एक एक बेटा तुझे मैं घर से निकाल दूं, मुझे तो मम्मी पापा के साथ ही रहना है। नहीं वो छोटा वाला है तो सही ईशान, ऐसे थोड़ी होता है, सब अपनी अपनी जगह होते हैं, मुझे तो तुझसे प्यार है ना, तुझे मेरे को साथ रखना है। लेकिन मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ ना, या तो आप पापा से बात करो, तो मैं नहीं कुछ कह सकती पापा से बात करना। पापा तो फिर इन पे हाथ उठाएंगे, वो उठाएंगे अच्छा, वो तुम्हें पता है वो गुस्से वाले मारेंगे पीटेंगे मेरे साथ में, कैसा व्यवहार करता है ना, इतना बड़ा तुमने कदम उठाया शादी कर ली तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप उनसे कर लोगे ना, अब सही नहीं किया बेटा ये तूने ना, जो भी आप रो क्यों रहे हो, पापा मुझे डांटेंगे, मेरे को पता है पापा मुझे डांटेंगे, वो हर वक्त मेरे ऊपर हावी होंगे, वो क्या करना है बताओ। मैं क्या बताऊँ, डिवोर्स लेना है तुम्हें? नहीं यार पागल हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ। मम्मी देखो इतनी प्यारी है, देखो इतनी प्यारी तो है, मैं तो मना नहीं कर रही, अच्छी है, हर चीज समझती है, साथ में काम भी करती है, अच्छे तरह से सपोर्ट भी करती है, लेकिन तुम रिश्तेदारी और पड़ोसियों के बीच में करते हो तो सबको अच्छा लगता ना, ऐसे अकेले में जाके तुमने शादी कर ली। अब ऐसी वाली शादी तो ऐसे ही होती है ना मम्मी, आपको ही तो पता है। हमें लग रहा था पापा नहीं मानेंगे इसलिए हमने ये स्टेप ले लिया। नहीं पापा तो लड़ेंगे, वो तो कहेंगे। मैं तो पता है 9 महीने बाद आने वाला था बच्चे के साथ में, फिर मैंने कहा नहीं मैं चलो अभी चल लेता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचना था ना तुमने। अब आप देख लो क्या करना है, मेरे को तो पता है। रो मत मम्मी, रो मत, कोई नहीं मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, चुप हो क्या करूँ बताओ, चुप हो जाओ। अब पापा गुस्सा करेंगे मुझे पता है बेटा, तुम नहीं समझोगी ना, तुम तो अभी नहीं। अच्छा मैं नहीं उठाऊंगा बैग, नहीं उठाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी, आप चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी, ठीक है मत जाना। तो आप किसी न किसी लड़की से तो करते इसकी शादी। हाँ, करनी तो थी मैंने, लेकिन सबको बता के करते तो अच्छा लगता हमको भी, अभी ना बताए करते। तो ये भी तो इतनी अच्छी है, देखो फैमिली में मैच भी हो रही है, हंसमुख है और सबकी कदर भी करेगी।
अच्छा वैसे आप रहो, चलो मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा मैं घर में ले जाके चाय वाय तो पिला दूंगी। हाँ चलो घर चलो। और एक बात बताऊँ, मेरे ऊपर जाने से दिक्कत नहीं होगी? अरे नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। मैं एक बात बता दूँ इसके बारे में। आपको तो पता है मजाक करते रहते, तो मैं तुम्हारे साथ ही मजाक ही कर रहा था। ये कह रही थी एक बार ये कह रही थी अपनी मम्मी से मिलवा दो इस तरीके से, ये इसी का प्लान था। ये बस चाय पीने के लिए परेशान हो रही थी, ये कह रही थी चाय पी। अब तो पास पक्का मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं की, मजाक कर रहा था। कैमरे मैन साथ लाया हूँ मैं अपने, एरिक हमारा। तो दोस्तों ये मेरी मॉम है यार, क्यूट सी। तो ये रिट्स का प्लान था इनके ऊपर करने का, मिलना चाहती थी। तो ये चाय पीने का तरीका था। अब मत बोलियो कि चाय नहीं मिली, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, दिल से बताना, अच्छी है ना लड़की? अच्छी। बात करोगी शादी? बात करोगी? करवाओगी बात? पापा से? पापा से कराऊंगी। पक्का करोगे ना? समझाओगी? पक्का? नहीं मनाना पड़ेगा, देखो सच में मनाना तो पड़ेगा। अगर मान जाएंगे तो करा दूंगी। हाँ आई एम सो सॉरी जो मैंने अभी रूल लाया, ठीक है? चले फिर कर, उतार के चले इसे। ऐसे चलो, कैसे चले आप बताओ? ऐसे ही चलो, पापा को सरप्राइज दो। चलो तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यार हमारे रिस्क के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं भाई, बस प्यार बनाए रखो, जल्दी से जल्दी मिलियन कराओ यार, बहुत खुशी मिल रही है। और बाकी आप करोगे और करवाओगे, तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। फिर किसी दिन अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेगी। सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।